नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति का कैलेंडर जो है अब जारी हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि नए शिक्षक नियमावली के तहत इस बार बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति करेगा और इसी के तहत बीपीएससी जो है तमाम कामों को अपडेट कर रहा है। और वहीं अब आपको बता दें कि 170,000 शिक्षकों की भर्ती जो है इस बार बीपीएससी के द्वारा होगा और बीपीएससी ने अब कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि आखिर किस दिन एग्जाम होगा। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया। जारी कैलेंडर के अनुसार 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी के अनुसार 170,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इनमें 79,983 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 पदों के लिए मिडिल स्कूल में जो शिक्षक की भर्ती होती है वो होगी और 57,602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि हाई स्कूल में शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इस साल के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी ने अब कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि आखिर एग्जाम कब होगा। कैलेंडर के अनुसार एक बार हम आपको फिर से बता दें कि 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम देने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि अगस्त में परीक्षा ली जाएगी और डेट भी बीपीएससी के अनुसार जारी कर दिया गया है। अब तो 170,000 पदों की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा होने वाला है। बीपीएससी ने इसकी जानकारी तमाम समय समय पर दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी थी कि इस बार के परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि तुक्केबाजी करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। तुक्केबाजी से बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था उसमें साफ तौर पे कह दिया था कि शिक्षक भर्ती के भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी ताकि जो शिक्षक जा रहे हैं वो अच्छे से तैयार होके जाएं, सुयोग्य होके जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। वहीं आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए कैंडिडेट का इंटरमीडिएट पास होना साथ ही CTET डिप्लोमा या BEd होना जरूरी है। वहीं मिडिल स्कूल के शिक्षक के कैंडिडेट जो होंगे वो ग्रेजुएट होने के साथ STET और BEd पास होने अनिवार्य है। हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, STET और BEd पास होना जरूरी है। आपको बता दें कि चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि पाठ्यक्रम की जानकारी वेबसाइट पर शेयर कर दिया गया है और आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ऐसे में हम आपको लगातार शिक्षक बहाली के खबरों से अपडेट कर रहे हैं। और अब एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी आ गया है, अगस्त में एग्ज़ाम होगा और इस बार निगेटिव मार्किंग भी होगी ताकि तुक्केबाजी पे अंकुश लग सके। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि अगस्त महीने तक परीक्षा ली जाएगी, साल के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के अनुसार सभी पदों के लिए एक साथ आवेदन लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स एक साथ तीनों स्तर के स्कूलों के लिए आवेदन भर सकते हैं। अगर कोई योग्य कैंडिडेट है तो अलग अलग तारीख पर तीनों एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी हाँ, ये एक अहम मुद्दा है कि अगर आपको प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी तीनों के एग्जाम में बैठना है तो आप तीनों के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd कंप्लीट कर लिए हैं तो आप तीनों हायर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए आपको अलग अलग डेट पे परीक्षा भी देनी होगी। उसके बाद आपका चयन होगा कि आखिर आप किसके लिए एलिजिबल है। बाकी अगस्त में परीक्षा होगी 19, और आपको बता दें कि 19, 20, 26 और 27 अगस्त को बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।